आज हम बात करेंगे आई बॉल ऑफ योर कैमरा जो कि अपर्चर है। आज हम लास्ट पिलर को डिस्कस करेंगे जो कि है अपर्चर। लास्ट वीडियो में हमने आईएसओ को देखा, शटर स्पीड को देखा, आज अपर्चर को देखेंगे जो तीनों में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपर्चर आई पीपल की तरह काम करता है, यानी वाइड आई पीपल ओपन मोर लाइट, लेस आई पीपल ओपन लेस लाइट, और हमारी आई पीपल नेचुरली इसी तरह काम करती है। तो आईएसओ और शटर स्पीड के बगैर एक्सपोजर कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक और फैक्टर है जो है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड कितना ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगा, इस वीडियो में कोई ब्लर नहीं है और इस वीडियो में बैकग्राउंड ब्लर है। तो अपर्चर जितना ज्यादा ओपन होगा उतना ज्यादा लाइट होगी, लेकिन फोकस एरिया कम होगा और अनफोकस एरिया ब्लर होगा। जैसे एफ स्टॉप हैज F16 नो ब्लर एंड लेस लाइट, F1.4 मोर लाइट एंड बैकग्राउंड ब्लर। सिंपल आईएसओ को डिक्रीज करेंगे करेक्ट एक्सपोजर के लिए। ब्लरी बैकग्राउंड गिव यू सिनेमेटिक लुक जो आपको चाहिए होती है। लोअर एफ स्टॉप का फायदा यही है कि नाइट में शूट कर रहे हो और लाइट ज्यादा चाहिए हो तो F1.4 से ज्यादा लाइट आएगी और आईएसओ को इंक्रीज करना भी नहीं पड़ेगा। हर टाइम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की जरूरत नहीं होती। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है वहां एफ स्टॉप को इंक्रीज करना होगा जहां सब लोगों को देख सकें, जैसे वॉर सीन हो गया, नेचुरल सीन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एफ स्टॉप कैमरे से चेंज कर सकते हैं, लाइक F1.8, 2.8, F4, F8, F22 एंड सो ऑन। प्राइम लेंस हैज बेटर एफ स्टॉप रिजल्ट देन जूम लेंस, जस्ट कीप इन माइंड। तो ये था अपर्चर, हमने तीनों पार्ट देखे। आईएसओ मीन लाइट, शटर स्पीड मीन मोशन ब्लर, अपर्चर मीन डेप्थ ऑफ फील्ड। नेक्स्ट क्लास में हम तीनों को एक साथ यूज करेंगे, यानी एक्सपोजर ऑफ ट्रायंगल, यानी करेक्ट एक्सपोजर किस तरीके से लिया जाता है। अभी कैमरा उठाओ और आईएसओ, शटर स्पीड, अपर्चर की वैल्यूज को यूज करो और देखो क्या क्या रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री को देखेंगे, यानी एक्सपोजर ऑफ ट्रायंगल, यानी परफेक्ट एक्सपोजर किस तरीके से लिया जाता है, और शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं तीनों को एक साथ में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।